सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज एक हैशटैग बड़ी ही तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग सपा मतलब भ्रष्टाचार। इस ट्रेंडिंग हैशटैग का कारण बनी उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक इत्र व्यापारी के घर इनकम टैक्स की रेड। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में सपा के कई नेताओं के घर छापेमारी की गई थी, जिसमें बहुत सी बेनामी संपत्ति सबके सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के जिस इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापा पड़ा, उनके संबंध भी सीधे तौर पर अखिलेश यादव से जुड़े हैं। उनके घर से 150 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई है। आखिर इतनी ज्यादा नकदी वहां पर कैसे आई? क्या यह सपा के चुनाव में खर्च होने वाला पैसा था जिसे इत्र व्यापारी ने अपने पास जमा कर रखा था? ये तमाम बड़े सवाल जो आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को कानपुर में एक बड़ी कारोबारी पर छापेमारी की, जिसमें अभी तक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा जब्त किए जा चुके हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हर जगह नोट ही नोट है। दो बड़ी अलमारियां नोटों के बंडल से खचाखच भरी नजर आ रही हैं, और साथ ही कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी नोट गिनने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, नोट गिनने के लिए कुल 9 मशीनों को लगाना पड़ा और स्टेट बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बैंक के अधिकारी भी इतना पैसा देखकर दंग रह गए। पैसों को ले जाने के लिए 25 बक्सों को मंगवाना पड़ा। दरअसल आरोप है कि कई फर्जी फर्मों के नाम से बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ई वे बिल मिले हैं। आपको बता दें, यह छापा शिखर पान मसाला बनाने वाले पीयूष जैन के घर पर पड़ा है। उनका पान मसाला बनाने के साथ ही इत्र बनाने का भी कारोबार है। पीयूष जैन का संबंध समाजवादी पार्टी के साथ बताया जा रहा है। छापेमारी के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यूपी भाजपा ने ट्वीट कर लिखा, सपाइयों, तुम्हारे पापों की दुर्गंध भ्रष्टाचार के इत्र से नहीं जाएगी। 150 करोड़ से अधिक का काला धन जब्त हुआ है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी को दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है सपा मतलब भ्रष्टाचार। वहीं यूपी भाजपा के द्वारा एक और ट्वीट कर लिखा गया कि इत्र की विशेषता खुशबू होती है, मगर यदि इत्र सपा वालों के हाथ लग जाए तो वे इसकी भी महक को भी मार देते हैं। सपा मतलब यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। सपा मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं, वही सपा है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा है, समाजवादी इत्र की गंध, खनन घोटाले में खाया, लैपटॉप बंदर बांट में अरबों कमाया, गरीबों का राशन तक चुराया, भ्रष्ट सपा की अजब गजब माया। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर भी छापेमारी की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। और सफाई पेश करते हुए आशीष यादव ने ट्वीट किया और कहा कि कानपुर के कारोबारी के घरों में पड़े छापों से सपा का कोई नाता नहीं है, समाजवादी इत्र और समाजवादियों से कारोबारी का कोई नाता नहीं है। कानपुर में कारोबारी के घर पर पड़े छापे को सपा से जोड़ना गलत है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश में एक अहम भूमिका निभाती है। हाल के दिनों में जब सपा के नेताओं के घर छापेमारी हुई थी तो अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया था कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब हमारे नेताओं के घर छापेमारी की जा रही है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। नेताओं के घर छापेमारी में लाखों रुपए बरामद किए गए हैं, जो कि शायद कहीं ना कहीं चुनाव के लिए जमा किए गए पैसा था। अब जहां नेताओं का पैसा तो रेड के चलते जब्त कर लिया गया, वहीं नेताओं के बाद अब यूपी में व्यापारियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनता जहां गरीब है और कई लोगों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं है, वहां के व्यापारियों के घर इतना पैसा बरामद किया जाना जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, है साफ तौर पर समाज में हो रहे भ्रष्टाचार का सटीक उदाहरण नजर आता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।